सीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं आपके सामने ग्रीन और ब्लैक ड्रेस में मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। यू कर्नल साहब। हमारा तो हर वक्त फौजियों से बात बात के कर्नल साहब ही में कहीं जा रहा हूँ, आपको भी आज कर्नल ही कह दिया। सुमित भाई, ये बताइएगा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो चल पड़े हैं अमेरिका से और वो पहुंच गए हैं इजराइल, और अब एक हो रही है I2U2 वर्चुअल समिट, जिसमें जी जारी बात है कि ये एक नया जो है ना, वो एक जिसे हम कहते हैं ना हमारे पंजाबी कहते हैं शुरशरी छोड़ दी है अमेरिका ने, और उस तरह सारा। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो वर्चुअल समिट है जिसमें UAE भी है, इंडिया भी है, इसराइल भी है, अमेरिका भी है, बेसिकली ये करने क्या जा रहे हैं? इंडिया मिडल ईस्ट में कैसे पहुंच गया, ये हो क्या रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को, जरा हमें बताएं। दिल्ली में बैठ के आपको क्या नजर आ रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, अब देखिए आपका तकल्लुफ ऐसा, आप बड़ी से बड़ी चीज को मतलब कहते सुरसुरी हवाई, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वाड बना तो आपके मित्र चाइना ने बोल दिया अरीना ऑफ ग्लैडिएटर्स, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनी उन्हें हवाई नहीं लगी, फिर I2U2 बना उन्हें हवाई नहीं लगा, राइट? तो जेनिया में अभी एक और डेवलपमेंट मुझे ध्यान नहीं आ रही, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई दुनिया में उन्हें तब पता नहीं लगा। कोई बात नहीं, ये सब चाइना के साथ होता रहता है। देखिए I2U2 जो है चीमा साहब, पहले इसमें समझने की बात है, एक ऐसा फोरम है जहां हिंदू, मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियन साथ है, जबकि इंडिया तो सबको ही रिप्रेजेंट करता है, पर मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है तो इसलिए मैं हिंदू कह रहा हूँ। तो हिंदू होम हो गए, मुसलमान UAE में आ गए, क्रिश्चियन हो गए और यहूदी हो गए, पैसा एक फोरम है जहां चारों दुनिया के बड़े रिलीजन, इसमें एक अलायंस है। पहले ऐसा अलायंस नहीं होता था, दो रिलीजन का एक रिलीजन को होता था, पर ऐसा चार बड़े रिलीजनों का एक साथ आना और अलायंस करना, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज एन टाइम व्हेन इंडिया हैज मार्क्ड इट्स प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट। इससे पहले मिडिल ईस्ट में हमेशा प्लेयर रहा है USA शुरू से, उसके बाद UK और फ्रांस रहे, इंडिया हैज रिप्लेस्ड UK एंड फ्रांस हैज बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर इन मिडिल ईस्ट, और इसको मानने वाला कोई और नहीं बल्कि UAE है। और मैंने आपको बोला था हमने पहले UAE के साथ ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, आपको पता है 10 साल में 300 बिलियन का ट्रेड करना, नंबर थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा UAE आज के डेट में, नंबर थर्ड। तो अब इसराइल के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे, बहुत पुराने जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। UAE हो गया, इसराइल हो गया, US तो खैर है ही। अब US को ये लग रहा और दुनिया को ये लग रहा, अगर मिडल ईस्ट में कोई डोमिनेटिंग पावर चाहिए वो है इंडिया, तो इंडिया का स्टेटस अब ट्रांसकॉन्टिनेंटल हो गया। पहले इंडो पैसिफिक की बात कर, पहले आपको याद होगा तो एक टाइम में सार्क की बात होती थी, फिर हो गया एशिया पैसिफिक, फिर हो गया साउथ एशिया, फिर हो गया इंडो पैसिफिक, अब हो गया ग्लोबल। इट इज द एलिवेशन ऑफ इंडिया टू अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल प्लेयर। तो वहां I2U2 में इंडिया का आना और पूरे मिडिल ईस्ट का मानना, अमेरिका का मानना, फ्रांस का मानना, और यूके और फ्रांस की टांग ना अड़ाना, इसराइल का मानना, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सो इंडिया हैज एलिवेटेड इट्स स्टैचर इन द मिडल ईस्ट। अब इंडिया का यहाँ रोल क्या, काफी लोगों का ये मानना था चीमा साहब कि ये जो I2U2 है इट इज अगेंस्ट ईरान, पर आपका शो या कोई और शो था, मैंने कहा अगर अगेंस्ट ईरान होता तो हमें तो फिर लेते नहीं, हमारे ईरान से बड़े अच्छे रिलेशन है, ईरान के अगेंस्ट है नहीं ये। अब यहाँ क्या है, इंडिया कैन प्ले अ वेरी बैलेंस्ड कैरेक्टर इन मिडल ईस्ट। कारण क्या है, ठीक है, आप जानते हैं मिडल ईस्ट में दो कैंप है, एक है सोदीज का, एक है ईरानियों का, ये मतलब जग जाहिर सी बात है। अब कवायद क्या हो रही चीमा साहब, वहां से जो बाइडेन तो उतर गए, अब वो पैलेस्तीन भी जाएंगे, इसराइल भी जाएंगे और सऊदी भी आएंगे, करेक्ट? और सऊदियों पे प्रेशर क्या डलेगा, सऊदियों पे प्रेशर डलेगा फॉर्मली इसराइल को रिकॉग्नाइज करो। अभी इसराइल के एरोस्पेस से UAE का जहाज तो आ रहा है, अभी मैंने शायद पढ़ा था कहीं सुना था मक्का भी डायरेक्ट जहाज चलने लगा है इसराइल से, कुछ ऐसा पढ़ा था मैंने कहीं, तो ये एयर स्पेस लेने लगे हैं। तो कुछ डायरेक्ट फ्लाइट भी चलने, एयर स्पेस तो पढ़ा था पहले से, एयर स्पेस तो है, अब शायद सुनने में डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है मक्का टू तेल अविव या कुछ, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो सऊदियों पे प्रेशर होगा कि जी आप फॉर्मली रिकॉग्नाइज करो इसराइल को, UAE ने इनफॉर्मली तो लगभग क्या फॉर्मली कर दिया, सऊदियों ने फॉर्मली नहीं किया। अगर इसराइल आता है तो इसराइल सऊदी और ये जो अमेरिकन ब्लॉक है ये इंटैक्ट हो जाता है, जिसमें एक इंडिया इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यहाँ इंडिया के रिलेशंस हैं ईरान के साथ अच्छे, और ईरान को चीमा साहब बेचना तेल, ईरान ने एक नसीहत तो देख ली, उन्होंने कहा देखो जैसे रूसियों ने तेल बेचा
$150-200 billion अंदर कर लिया, लड़ाई अपनी की अपनी चल रही, तेल के पैसे वो ला रहे हैं, अब कोल की भी बात हो रही, गैस की भी बात हो रही, सबकी बात हो रही। इनफैक्ट आजकल तो चीमा साहब कार्टून चल रहे, बंदा ऐसे ठुटर रहा है, कह रहा है कि गिव मी योर रशियन गैस, यूरोपियन, यूरोप में बड़े वो मीम्स बन रहे हैं। चलिए वो अलग मसला, उस पर आज नहीं जाते। अब ये जो सारी चीजें हो रही है, अगर अगर कल को ईरान और सऊदीज के बीच एक इन्फॉर्मल सा ट्रूस हो जाए, मैं नहीं कहता शांति होगी या पूरे वो गिले शिकवे दूर, एक इन्फॉर्मल सा ट्रूट हो जाए, तो ये होती ये सीरियन प्रॉब्लम, ये होती रेबल्स वगैरह वाला, ये मसला ठंडा हो जाएगा। अगर ये मसला ठंडा हो जाएगा और ईरान के लिए थोड़ा मार्केट खुलता, तो उनकी डिपेंडेंस ऑन चाइना हटेगी। देखिए चाइना के साथ उन्होंने 10 साल का तेल का एग्रीमेंट तो कर लिया 500 बिलियन का, पर वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। आपने देखो पीछे चाइना भी रशिया से सस्ता तेल लगाने की लाइन में लग गया था, ये तो आपने देखा ही होगा। अब जो ईरान के साथ एग्रीमेंट हुआ उसका क्या हुआ? पीछे ईरान को ये भी पता है छवाहर पोर्ट को छोड़ के बाकी सारी चीजों पे यूएस के सैंक्शन लगते हैं। छवाहर पोर्ट एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसपे यूएस ने सैंक्शन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? हमारे कारण नहीं लगाया। तो अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट की परिकल्पना करें, तो अगर इसमें इसराइल आ जाता, और पीछे मुझे लगता है यूएई ने कहा, इन सऊदीज ने भी कहा हमें जी इसराइल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया। ठीक है, अगर ये चीजें हो जाती जो मिडिल ईस्ट में शुरू से टर्मोइल बना आ रहा, मिडिल ईस्ट स्टेबल हो जाता है, हमारा एशिया यहाँ स्टेबल हो जाता है, यूएस वहां स्टेबल है ही, रशियन कॉन्टिनेंट में थोड़ी दिक्कत है वो स्टेबल हो जाएगी, तो सब मिलके एक अफ्रीका में जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो वहाँ हालत खराब है, उस पर दुनिया का अटेंशन जा सकता है। अगर ये छोटे मोटे मसले हमारे आपस में निपट जाए, तो हम अफ्रीका या जहां जरूरत दुनिया में जरूरत है वहां मदद कर सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं, और एज इंडिया वी आर कमिटेड फॉर डू दिस, हम तो कमिटेड है। और मजे की बात यह है चीमा साहब, अब दुनिया इस रोल को मानती है, पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है और एक्नॉलेज करती है। आप देखिए I2U2 बनने से किसी भी इस्लामिक कंट्री ने, कहीं भी इस्लामिक वर्ल्ड में इसका कोई विरोध, कोई प्रतिक्रिया या कोई मतलब हमें जो हिंदी में टिप्पणी, मतलब विच इज अ कमेंट एंड अपोजिट कमेंट नहीं आया। तो इसका मतलब है कि इंडिया का स्टैचर एलिवेशन बढ़ रहा है, इंडिया इज टेकिंग द रोल ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर विद एवरी पासिंग डे एंड द स्टैचर इज इंक्रीजिंग, दैट इज हाउ वी सी इट। जी कल सर अपना सुमित भाई, सॉरी सुमित भाई, क्वेश्चन ये आता है कि आपने कहा कि इंडिया का एक स्टेचर जो है वो बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है बढ़ रहा है, दिस इज आई पर्सनली रिकॉग्नाइज की ये बात बड़ी सही है कि इंडिया ऑब्वियसली इज गेटिंग मोर पॉलिटिकली रेलेवेंट, और मेरा ख्याल है ये कोई 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 जो मगरब है ये कोई फेवर नहीं दे रहा इंडिया को, मतलब दिस इज अ रियलिटी that over the period of time, be it Indian economy or overall India stature, जो है वो पता चलता है, इस इसे potential power. अब ये बताएं कि आप एक potential power हैं, आपका stature बढ़ रहा है, जो बात होनी है technically वो 3-4 बड़े issues पे होनी है, जारी बात है, जिसमें जारी बात है कि Ukraine war पे होनी है, Iran nuclear deal पे होनी है. So what India can offer the West or this I2U2 on Ukraine war? जबकि आप सबसे जो जो भले फूड सिक्योरिटी हो या बाकी चीजें हो वो तो इस वॉर से जो अफेक्टेड हैं, ऑयल आप जो हैं वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बाकी भी ले रहे हैं, लेकिन आप भी उससे जारी बात है बेनिफिट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया यूक्रेन इशू के ऊपर क्या ऑफर कर सकता है या क्या देगा इस I2U2 में, मतलब this is something which obviously these countries want from India, because UAE to tel de sakta hai, Israel jo hai wo to usko to Middle East mein mainstream kiya ja raha hai, lekin India ne to resist kiya, aapko pata hai meri aur aapki isme bare mein badi pehle bhi baat ho chuki hai, so what India can actually offer in I2U2 on Ukraine? Dekhiye Chima sahab, agar hum I2U2 ki baat kare, kabhi bhi हम, मुझे याद है करीब कुछ महीने पहले हमने बात की थी कॉर्ड में, तब मैंने आपको ये बताया, मैंने कहा चीमा साहब और भी चीजें बन रही हैं, बन जाती रहेंगी, जब अनाउंस होगी तो बता देंगे। तो अब ये I2U2 देखिए, जब ये तब आया जब ये नुपुर शर्मा जी वाला मसला पीक पे था, तब ये होया कि भाई देखो जी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ नहीं आएंगे, OIC वालों ने पूरी कोशिश की ना आए, तब I2U2 को डिरेल करने की पूरी कोशिश की गई, INSTC को डिरेल करने की पूरी कोशिश की गई, पर उसके बावजूद उसके होते हुए वो सब चलते हुए ये हुआ और बिना रेजिस्टेंस के हुआ। तो अगर आप देखेंगे पूरे OIC में, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में किसी ने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, पहला पॉइंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बड़ा है। एक ऑब्जेक्टिव जब जयशंकर जी, जब ये पहले बात हुई थी, एक वर्चुअल हुआ था, जयशंकर जी इसराइल गए थे तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी करीब लास्ट ईयर में,
बट तब चीमा साहब एक फर्क था, तब एक चीज गेम में नहीं आई थी, एक एजेंडा में नहीं आई थी, वो तो फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मसला नहीं था, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फूड सिक्योरिटी और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी दोनों मसले बन गए। तीसरा मसला बन गया ऑयल का, अब कोई प्राइस नहीं रहा, अब ऑयल लिटरली ना मंडी बन गई है, जो जो जिस कीमत पे देना चाहे बेचना चाहे वो आ रहा है। अगर आप देखें हमने रशियन ऑयल से ऑलमोस्ट मिडिल ईस्टर्न ऑयल रिप्लेस कर दिया, नाउ आवर नंबर टू ऑयल सप्लायर इज रशिया, इट्स नॉट सऊदी अरबिया। तो ये चीजें यहाँ हुई है और ये सऊदीज को पता था, शुरू से पता था, कोई आज की बात नहीं है, बट उन्हें पता था कि अगर हम अगर किसी ने हमारा मार्केट शेयर ले लिया तो उसको रिप्लेस करना बड़ी मुश्किल है, ईरान उस कवायद में लगा है। तीसरा चीज है पीस। अब जो हम बातें करेंगे, जो एक साइबर सिक्योरिटी है, ग्रीन एनर्जी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, इंटेल शेयरिंग होती है, कल को आने वाले टाइम में इसमें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जबकि एक मिलिट्री चार्टर इसका नहीं बना पर आने वाले टाइम में ये सब आएगा, ये एक नेचुरल सी प्रोसेस है। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि पूरे मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, इसराइल को कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए। अब हमारी रिलेशन आपको पता है कि सऊदियों से भी अच्छी है, हमारी रिलेशन ईरान से भी अच्छी है, कोई मतलब दोनों से अच्छी रिलेशन है, हमारी रिलेशन फलस्तीन से भी, हमारी रिलेशन इसराइल से भी। यहाँ दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जिसकी रिलेशन इनसे है, दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो ITU2 में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है और अपना क्वाड में भी बैठता है, ऐसी कोई कंट्री है नहीं और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को छोड़ के अभी दुनिया में। देयर इज ओनली वन लीडर हु हैज 360 डिग्री प्रेजेंट इन ऑल काइंड एंड टाइप्स ऑफ फोरम्स इन द वर्ल्ड, ये एक एडवांटेज है। अब जब आप इस स्टैचर के साथ होते हो हम क्या दे सकते हैं, सबसे पहले हमने शुरू से बोला भाई अगर सीज फायर सीज फायर सीज फायर, आज भी रशिया और यूक्रेन के हल्के फुल्के रुझान है कि आप बात करो, अगर हमें ये जिम्मेदारी दी जाती है आप इसको नेगोशिएट करो, आप इसको डील करो, तो हम विदाउट इंटरवीनिंग इन देयर इंटरनल अफेयर्स वी कैन एक्ट एज अ मीडिएटर एंड ट्राई टू ब्रिंग पीस। बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव चीमा साहब किसी के फटे बटे आंग अड़ाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है पीस लाना। अभी आप देखिए एक और चीज आपको बताऊं, यूरोप का इकोनॉमिक आउटलुक था चीमा साहब 4.5% 3 महीने पहले, आज 2.6 है, टुडे इट इज 2.8 से 2.6 लाया गया, ठीक है। वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटलुक 1.75 ओवरऑल कट आ गया 1.75 पर, यूएस का इकोनॉमिक आउटलुक 1 पॉइंट कटा है, वैसे भी वहां ज्यादा कोई ग्रोथ थी नहीं, चाइना की बातें हो रही 4% ग्रोथ की, हम 8.5% कर रहे हैं। आपका निकल देखो चाइना में रूरल बैंक्स में पैसा नहीं मिल रहा लोगों को, ये भी आपने पढ़ा होगा, खैर आपकी नजर तो हर जगह रहती है। अब ये जो चीजें हो रही है और रशिया अभी जर्मनी की दिक्कत क्या है, जर्मनी में 40% आपकी इंडस्ट्री चलती है रशियन गैस से, रेशन गैस मिल नहीं रहा, कोल फायर्ड वो पावर स्टेशन वगैरह यूज कर रहे हैं उससे उतनी एनर्जी बन नहीं पा रही। और अब जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, वो गैस आएगा कहाँ से, पूरे यूरोप की हीटिंग आएगी कहाँ से, गैसप्रोम ने आधा नल का तो बंद कर दिया पाइपलाइन का। दुनिया में चीमा साहब अगर आप पूरा एनालिसिस करें तो दुनिया में लगभग लगभग वी आर हेडिंग टू अ रिसेशन बिकॉज ऑफ रशियन यूक्रेन वॉर। अगर इस लड़ाई को नहीं रोका गया, देखिए इन्फ्लेशन हर एक कंट्री में आ गई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी के भी वो कम हो रहे हैं, राइट, डॉलर महंगा हो रहा है हर करेंसी के अगेंस्ट, अब यूएस को भी डॉलर छापने पड़ेंगे अल्टीमेटली और कुछ होगा नहीं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के टाइम में 2 ट्रिलियन डॉलर क्या 3 ट्रिलियन डॉलर छापे थे उन्होंने, तो उससे अगर डॉलर छपेंगे तो आपकी और मेरी जिंदगी तो और मुश्किल होगी ना, आसान तो होगी नहीं, करेक्ट। तो ये जब सारी चीजें हो रही, वर्ल्ड इज लुकिंग एट अ रिसेशन, अभी किसी की जरूरत है जो इनको समझाए, जो लड़ाई रुकाए। देखिए यूएस लड़ाई रोकना नहीं चाहता, उन्होंने अभी 1 बिलियन के वहां हथियार भेजे। अब मजे की बात यह है चीमा साहब, एक और एंगल आपको बताऊं थोड़ा हटके से, दुनिया में बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में नहीं है, नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू साहब हट गए, शिंजो आबे साहब पोत हो गए, ठीक है सर, एंजेला मर्कर सत्ता में नहीं है, बोरिस जॉनसन साहब की कुर्सी निकल गई। एक टाइम में जो 5 बड़े लीडर डेमोक्रेसीज में माने जाते थे, या डोनाल्ड ट्रंप साहब, खैर ये तो पता ही कहने की बात ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप है लॉस्ट द पावर, ये जो 5 लीडरों की फोटो हर जगह आती थी उनमें केवल मोदी जी टिके, बाकी सब आर इधर आउट ऑफ पावर और अनफॉर्चुनेटली हैव शिंजो आबे साहब, तो खैर वो तो मर्डर ही था, हमने बात की थी उस पर यहाँ पुतिन भी वहीं बैठे, जी जिनपिंग भी वहीं बैठे, ये नहीं हिले। बोरिस जॉनसन साहब की कोशिश थी कि मैं वहां सत्ता परिवर्तन कर दूं, पर सत्ता परिवर्तन वहां हुआ नहीं, अपनी कुर्सी निकल गई। तो दुनिया में बहुत टर्माइल हो रहा है, एक रिसेशन की तरफ देख रहा, अभी
इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड पावर्स की जिनकी हर जगह चलनी है। हम सऊदियों से भी बात कर सकते हैं, हम इसराइलियों से भी बात कर सकते हैं, ईरानियों से भी बात कर सकते हैं, या रशिया से भी बात कर सकते हैं, यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं। और अगर दुनिया चाहे, वी कैन रियली मीडिएट पीस। अवर इंटेंशन इज नॉट मीडिएशन, अवर इंटेंशन इज नॉट एंटर यू नो फिडल विद एनीबॉडीज इंटरनल अफेयर्स। किसी के फटे में टांग लगाने की ना हमारी आशा है, ना मंशा है, ना कभी इच्छा है। बट दुनिया की सलामती के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए अगर हम पे ये जिम्मेदारी डाली जाती है कि आप इसको नेगोशिएट करो, हम अभी सक्षम है, वी आर कैपेबल टू डू दिस इफ देयर इज एन इफ द नीड अराइजेस लाइक दैट एंड दिस विल बी द बैलेंसिंग फैक्टर। अगर मैं आपको एक छोटा सा लास्ट लाइन बता दूं, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें एक कंपोनेंट होता है D2O, हार्ड वाटर। वी आर एग्जैक्टली टूडे द हार्ड वाटर ऑफ द वर्ल्ड। वी कैन स्टॉप द फिशन बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल ठीक है। आप इसको अगर समझते हैं कि आप D2O हैं, ऑब्वियसली ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह अक्रॉस जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं वहाँ पे बैठना, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात बताएं सुमित भाई, कि जब आप इसराइल के साथ बैठते हैं, ठीक है, जब आप इसराइल के साथ बैठेंगे तो मुस्लिम वर्ल्ड में एक साइलेंट गुस्सा है, मुस्लिम वर्ल्ड में अबाउट UAE, अबाउट अदर मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनके बारे में कि जी ये इसराइल को क्यों रिकग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, उधर ईरान जो है ऑलरेडी हैविंग प्रॉब्लम, बेसिकली ईरान की तो सारी की सारी लड़ाई इसराइल के साथ है। सो डोंट यू थिंक, जब ईरान न्यूक्लियर डील की बात भी इस जगह पे होनी है, डोंट यू थिंक के इंडिया डजंट हैव दैट वेटेज और मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड कैन समवेयर गेट अनॉयड विद इंडिया। रिसेंटली जो नूपुर शर्मा का वाक्य आया एंड दे कैन मेक इट अनदर एक्सक्यूज, इरानियंस ने भी प्रोटेस्ट किया था। और तो आप इसको इस एंगल से कैसे देखते हैं चीजों को? डज दिस हैव एनी काइंड ऑफ, ये कोई क्वेश्चन बनता है आपके लिए? बिकॉज ये जो मुसलमान यूएई और मिडल ईस्ट में थे, उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था जब इसराइल की रिकग्निशन का आया था। और इंडिया भी फॉर लॉन्ग इसराइल के साथ बड़ा करीब नहीं होता था। द रीजन बिहाइंड वॉज के इंडिया अपनी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इंडियन लीडरशिप उनसे डरती थी। बट आप तो बड़ा खुल खुला के आ गए, तो आप इस एंगल को किस तरह देखते हैं कि विल दिस हैव एन इंपैक्ट और अफेक्ट इंडिया इन एनी वे? देखिए चीवा साहब, सबसे पहली बात देखिए, अगर आप इसराइल के साथ रिलेशंस की बात करें तो शायद मुझे लगता है 45 साल या 75 साल हो गए, कांट रिमेंबर द फिगर, इट्स 45 इयर्स, 45 साल से यह एम्बेसी है उनकी। आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट विद 45 इयर्स ऑफ रिलेशंस। सो दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हमने इसराइल के साथ देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है ना, वो पाकिस्तान को देख के चलती, ना मुसलमान कंट्रियों को देख के चलती, ना चाइना को देख के चलती, ना यूनाइटेड स्टेट्स को देख के चलती। हमारे इंटरेस्ट में क्या, आप जानते हैं चीमा साहब कि एक टाइम में इसराइल वाज अवर नंबर वन आर्म सप्लायर। ये मैं 10-1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इसराइल ने डोमिनेट कर रखा था, रशिया कभी आगे कभी इसराइल आगे। अब भी हमारे टॉप 5 आर्म सप्लायर में इसराइल तो अब भी आता है, मतलब उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और इसराइल की जो महारत है वो टेलीकम्युनिकेशन और लेजर गाइडेड सिस्टम में दुनिया में सबसे अच्छा बनाते हैं। तो UAVs बनाते हैं, ड्रोन्स बनाते हैं, हमने उनसे पीछे ड्रोन्स भी लिया, आपको पता होगा, आप तो खैर नजर रखते हैं। तो अब ये रिलेशन को छुपा हुआ नहीं है, किससे छुपा हुआ नहीं, 45 साल से दुनिया को दिखाते हुए, बताते हुए, सबको समझाते हुए और सबको साथ लेकर चलते हुए हम ये रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। आप जानते हैं यहाँ कितने इसराइल रहते हैं, एक हमस ट्रेल का आपने नाम सुना होगा, हर इसराइल अफसर या हर इसराइल जवान एक बार इंडिया जरूर आता है, हमस ट्रेल कहते हैं, करेक्ट, वो इंडिया आता है, एक उनका टूर एक मतलब पाथ सा बना जहां वो इंडिया घूम के 101% जाता है और 100% सेफ है यहाँ पे, तो इसराइल की बात नहीं। अब ईरान की अगर आप आज इकोनॉमी की बात करें, ईरान की इकोनॉमी इज इन ट्रबल। ईरान को तेल बेचना, ईरान के पास और कोई इकोनॉमी में वेपन है नहीं जी, बस अब उनकी किस्मत अच्छी, आबादी कम है। अगर आपकी जितनी भी आबादी होती तो हालत बहुत खराब होती, आबादी कम है इसलिए काम चल रहा है अभी। पर देखो, दे कैन नॉट अवॉइड अ डिजास्टर फॉर टू लॉन्ग, उन्हें तेल बेचना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें इकोनॉमी को चलाना रहना पड़ेगा। श्रीलंका की हालत हर एक के सामने है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी सबकी, हर एक को पता कौन कहाँ पे खड़ा आज के डेट में। अफ्रीका के कुछ देश ऑलरेडी खराब हालत में, 193 जो मेंबर नेशंस है यूएसए यूनाइटेड नेशंस की, 103 ऑलरेडी रिटर्न टू IMF फॉर बेल आउट। तो दुनिया की परिस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है आज के डेट में। ऐसे में आपको पहले क्या देखना, मेरी इकोनॉमी कैसे चले, मेरे लोग कैसे चले, मेरी चीजें कैसे चले।
बाकी डिप्लोमेसी में थोड़ा बहुत आपको रेजिमेंट भी दिखाना, थिएट्रिक ऑप्टिक ड्रामा सब सब चलता है, मैं इनको थिएट्रिक्स और ऑप्टिक्स कहता हूँ, वो सब चलता है। तो ईरान भी अपनी सोच रहा है। अब आप देखिए MBS कितना बदल गए, कितना उन्होंने सऊदी के इकोनॉमी को खोला, जहाँ सऊदी में मतलब आप बात नहीं कर सकते थे, जहाँ रिलीजियस पुलिस हर जगह घूमती थी, आज उसी सऊदी अरबिया में कितना चेंज है। अभी मैंने कल कहीं पढ़ा था कि उन्होंने एक वो पास किया एक रूलिंग कि अगर यहाँ कोई बैठ के इंडिया के खिलाफ बयान देगा, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देगा, उसको हम जेल में डालेंगे। और उन्होंने ये भी बोला जो वहां से मुसलमान या कोई भी यहाँ से आए, खासकर इंडिया से भी आए, तो हम उन पर नजर रखेंगे। हम ये कट्टरपंथी जो मुसलमान है, जो इस जमीन को यूज करके मतलब विच काइंड ऑफ डू दिस एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा या वो स्पेल वेनम, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। MBS साहब का बयान है कल का। तो ये जो चेंजेस आ रही है चीमा साहब, ये हम नहीं ला रहे, ऑर्गेनिक चेंजेस, उनकी जरूरत है जिंदगी, उनकी नीड ऑफ द आवर है। एंड एज लीडर्स दे आर डूइंग द राइट थिंग, एज लीडर्स दे आर डूइंग द राइट थिंग। नूपुर शर्मा जी का जो बयान है, उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए, INST हुआ, ITU अनाउंस हुआ, सब हुआ, बिजनेस एज यूजुअल हुआ। हमें उस मसले को हैंडल करने के लिए जो कुछ 3 स्टेप लेने थे, मैंने आपसे बात की, हमने 3 स्टेप लिए। तो अब मुसलमान वर्ल्ड में ऐसे इसको लेके रेजेंटमेंट नहीं है। हाँ, कुछ पॉकेट्स हो सकते हैं, मैं ईरान में उसका एक ग्रुप हो जो इसके खिलाफ हो सकता है, भाई UAE में एक छोटा मोटा ग्रुप हो जो इसके खिलाफ हो, बट कोई गवर्नमेंट, कोई बड़ा पावर, कोई ऐसा तबका, कोई ऐसा थॉट लीडर, कोई ऐसा ओपिनियन मेकर जिससे पूरे लोगों का वो चलता है, वो उसके अगेंस्ट नहीं है। अब आप देखिए, तब तो मलेशिया का भी आया था, आज मलेशिया का कुछ नहीं, आज मालदीव का कुछ नहीं है। और बाय द वे, जितनी अपनी अफ्रीका में मुसलमान कंट्री है और अफ्रीकन पूरे कॉन्टिनेंट में, उनका कुछ नहीं आया था, उनके यहाँ से कुछ नहीं आया था। कुछ कंट्रियाँ साउथ अमेरिका में भी, उनके यहाँ से भी कुछ नहीं आया था। तो मेरे कहने का मतलब है, ये इसराइल इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ चीमा साहब, उसको आपको हमको सबको मानना पड़ेगा और हमें डिसाइड करना है। मान देखिए, अब होगा क्या, अगर अब US के प्रेशर में अगर सऊदीज रिकॉग्नाइज इसराइल, ठीक है चीमा साहब, आप भी जानते मैं भी जानते, अगला बॉल कहाँ रुकेगी, अगली बॉल रुकेगी पाकिस्तान में, बोलेगी करो जी इसराइल को रिकॉग्नाइज। अगर आपने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो कश्मीर वाला मसला खत्म, तो लोग कहीं रहेगा ही नहीं आपका। भाई भाई दो हाथ है, गोरा एक काला नहीं हो सकता ना, या तो दोनों गोरे या दोनों काले। तो मुझे पता है अभी भुट्टो साहब बड़े परेशान होंगे, जरदारी साहब सोचे कि यार अगर ये वहां सऊदियों ने MBS ने कर दिया तो यार हमारे यहाँ ना हमारे यहाँ दिक्कत हो जाएगी बहुत। तो देखिए अब टाइम आ गया चीमा साहब, सच मतलब इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कर रहा, दुनिया में आगे बढ़ने की, मैं ये नहीं मानता ट्रेड डेवलपमेंट में मजहब वजहब लाना चाहिए, ट्रेड डेवलपमेंट वगैरह अपनी जगह चाहिए। आपको किसी कंट्री से कितना बड़ा कल्चरल आपको जुड़ना है वो आपकी मर्जी है, आप 100% जुड़ना चाहिए, 20% 30%, बट ट्रेड इकोनॉमी डेवलपमेंट एजुकेशन इसके दरवाजे किसी के लिए नहीं रुकने चाहिए। कल्चर वाइज आपको 20% जुड़ना 20% जुड़िए, 10% जुड़ना या 100% जुड़ना, दैट इज योर कॉल, उसमें वो आपकी मर्जी है। बट इन चीजों पर अब दुनिया में कोई जगह रही नहीं, मुझे नहीं लगता ये मुसलमान वर्ल्ड का रेजेंटमेंट जो इट इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक एनी मोर, क्योंकि देखिए सऊदियों से बड़ा मुसलमान यहाँ सुनियों में कोई नहीं है और ईरानियों से बड़ा मुसलमान वहाँ शियाओं में कोई नहीं है। तो अगर ये जो बड़े कैंप है, आप जानते हैं इस्लाम में भी इन दो जगहों की कितनी रेलिवेंस है, अगर वो चीमा साहब कहते कि नहीं हम ठीक है, हम इनके साथ जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमें सब कुछ ठीक है, तो बाकियों को तो लोका ही नहीं बनता ना। दिस इज वेयर द इस्लाम हैज रूट्स, मतलब सबसे मुकद्दस जगह तो मक्का आज भी है ना, और वहाँ हजरत अली है, राइट? तो ये दो जगहें हैं यहाँ पे। तो अगर वहाँ के हुक्मरान, अगर वहाँ के लोग जहाँ से इस्लाम पनपा है पूरी दुनिया में फैला, इफ दे आर सेइंग, इफ द एपिसेंटर ऑफ इस्लाम शिया एंड सुन्नी फेथ इज सेइंग नो वी हैव नो प्रॉब्लम्स विद इजराइल एंड विद द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, देन एवरीबॉडी हैज टू फॉलो इन लाइन, इट्स एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है ये ITU वाली, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट है वो जारी बात है। मैं देख रहा था इसराइल की जो डेप्टी डिफेंस मिनिस्टर है वो भी कह रहे थे कि सऊदी अरब को थोड़ा टाइम लगेगा। खैर, पाकिस्तान में जो फैसले होते हैं वो कोई सोच समझ कर नहीं होते और रैशनैलिटी की बेसिस पे नहीं होते, जज्बात की बेस पे होते हैं और बस फाड़ो की बात हो रही होती है, गैंज कर दो कर दो मार दो इस तरह कर दो, वो हमारा दुश्मन ये दुश्मन, तो वो जो रैशनैलिटी होती है अंदर बैठ के सोच समझ के नेशन को क्या चाहिए वो यहाँ पे नहीं होता, बस ये चाह रहा है कि झूठ बोलो
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाओ और उससे फिर जो अवाम जो है ना उसको अवाम की मासूमियत का फायदा उठाओ। एनी हाउ ऑब्वियसली ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेट्स सी सुमित भाई, ये आई टू यू टू की समिट होती है जिसमें मजीद बात करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे व्हाट हैज कम आउट ऑफ दिस, क्योंकि अभी तो लार्जली यही पता चल रहा है कि ये दो चार टॉपिक जो है वो आई टू यू टू कवर करेगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जी जी सुमित भाई, मैं तो चाहूँ चीमा साहब, मैं इसको ऐसा देख रहा हूँ कि जब जब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी होती है ना चीमा साहब, जितनी ऊंची बिल्डिंग बननी होती उतना नीचे खोदा जाता है, क्योंकि वो एक लॉजिक होता है उसका, बेसमेंट का कितने नीचे आप उसे आरसीसी वो कहते हो, बेस कितनी बड़ी बनानी है। अब टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, तो जितना नीचे ये खड्डा आपको दिख रहा है अभी, मतलब ये तो भी मतलब काफी लोगों को दिख रहा है अरे खड्डा खोद रहे हैं, पर जितना गहरा खड्डा उतनी ऊंची बिल्डिंग बनती है चीमा साहब, बस यही कहना। बिल्कुल ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच सुमित। थैंक यू सर।